So, well, hello guys out there. This is me, Tushar Srivastava, once again in front of you guys. First of all, happy Diwali to all of you guys. और इस दिवाली के मौके पे चलो कुछ अच्छा सीख लेते हैं, जानते हैं अपने एक नए प्लगइन के बारे में जो कि वेव्स की तरफ से आता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग आ चुके हैं वापस एक बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग के अंदर, जिसका टॉपिक है CLA Vocals। हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लगइन है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करेगा कि हमारा जो सॉन्ग है उसके अंदर कैसे चार चांद लगा सकता है और ये प्लगइन क्या करता है, क्या इसकी खासियत है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़कर अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। तो चलो देखते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये मेरा एक कवर सॉन्ग था जो कि मैंने कुछ समय पहले गाया था, फिर ना ऐसी रात आएगी, तो उसके वोकल्स के ऊपर हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या क्या ये प्लगइन कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इस प्लगइन को खोलता हूँ और आप सबको दिखाऊँगा कि ये क्या क्या वर्क कर सकता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे फेडर्स दे रखे हैं, तो चलो हम इन फेडर्स को लगाएंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लगइन है। इस एक इकलौते प्लगइन के अंदर हमको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं, बेस, ट्रेबल, कंप्रेस, रिवर्ब, डीले, पिच, इतनी सारी चीज़ें, वो भी एक प्लगइन के अंदर, जो कि ये वेव्स की तरफ से बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है। तो जैसे कि इसमें लिखा है बेस ट्रेबल, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर रखी है, ऐसे इजी शब्दों में बहुत ज़्यादा लिख रखा है बेस एंड ट्रेबल। यहाँ पे हम एसी फेडर से कंप्रेस कर सकते हैं, रिवर्ब लगा सकते हैं, डीले लगा सकते हैं। अगर किसी को कहना हो कि चलो एक ही प्लगइन से, एक सिंगल प्लगइन से आपको मिक्स करना है, तो ये वो प्लगइन है जिससे आप इकलौते इस प्लगइन से आप एक हद तक अच्छा मिक्स निकाल सकते हो, जितना भी ये आपको पोटेंशियल देगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं अपने वोकल्स के ऊपर इसे अप्लाई करके। जब तक तेरी नींद ना टूटे, उगता नहीं है सूरज मेरा, ख्वाब रहे किस काम के मेरे, ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा। तो आई होप ये वोकल्स आपको थोड़े बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे तो ये सॉन्ग ना मैंने अपने पर्सनल जो कि सिंगिंग चैनल उसके अंदर अपलोड कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके मेरा म्यूज़िक चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो इस प्लगइन को हम यूज़ करते हैं अब सीधा। तो एक एक करके हम पहले बात करते हैं इनके ऊपर कि क्या क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं बेस, हम इससे अपने वोकल्स का बेस बढ़ा सकते हैं, या फिर हम जिस चीज़ के ऊपर, जिस भी साउंड के ऊपर इसे अप्लाई करें, हम उसका बेस बढ़ा सकते हैं, उसका ट्रेबल बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं या लाउड कर सकते हैं, रिवर्ब ऐड कर सकते हैं और डिले भी ऐड कर सकते हैं। और जो पिच है, ये एक स्टीरियो विड्थ है, यानी कि कितना आप इसको, कितना आप अपने वोकल्स को फैलाना चाहते हैं, तो ये वो चीज़ आपको दिखा रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम पिच को डाउन कर देंगे, और ताकि, क्योंकि पिच हम ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर गलत स्टीरियो विड्थ हमें नहीं चाहिए, हम थोड़ा बहुत हम स्टीरियो विड्थ देंगे अपने वोकल्स को और फटाफट अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर सबको नीचे कर दे रहा हूँ एकदम, उसके बाद हम एक एक करके इसको यूज़ करना चालू करेंगे। तो चलो स्टीरियो विड्थ दिखा देता हूँ मैं। अगर आपने अच्छी एयरफोन में, किसी मॉनिटरिंग स्पीकर्स में या फिर हेडफोन में आप सुन रहे हैं, तो आपको क्लियरली ये चीज़ें सुनाई पड़ेंगी। तो चलो एक बार सुनते हैं। जब तक तेरी नींद ना टूटे, उगता न... आपने देखा जब मैंने इसको इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ा दिया तो कितना ज़्यादा ये स्टीरियो विड्थ दे रहा है, जो कि हमको सही नहीं है। हम थोड़ा सा इसको रखेंगे -10 जैसे हमने करा, इसको थोड़ा सा -8 के आसपास रखते हैं। जब तक तेरी, अब मैं रिवर्ब, और आप इसमें देख सकते हैं रिवर्ब के अंदर भी ऑप्शन है लार्ज, यानी कि जिसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होंगे, जिसमें जो जिसकी टेल ज़्यादा लंबी होगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चैम्बर जिसमें आपको रिवर्ब मिलेगा साथ साथ में थोड़ी सी इसमें ज़्यादा आपको हाई, जिसमें थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं, और टाइट में थोड़ा सा आप एक टाइट रिवर्ब इसे ऐड कर सकते हैं, कंप्रेसर में भी आपको 3-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रेबल में भी 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, बेस में भी 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलो इसको, इस वोकल्स को मिक्स करते हैं इसकी मदद से। जब तक तेरी नींद ना टूटे, उगता नहीं है सूरज मेरा,
ख्वाब रहे किस काम के मेरे, ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा सुनहानी ये जिंद जानी ये जख्मों को मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए। देखा जब मैंने चैम्बर लगाया तो ये कितना हाइस कैप्चर कर रहा है। जब तक तेरी नींद ना टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा, ख्वाब रहे किस काम के जब मैंने पहला वाला स्लैप यानी कि लगाया है तो यहाँ पर बहुत ही कम समय में यहाँ पर डिले हो जा रहा है, और जब मैं इसके ऊपर वाला लगा रहा हूँ तो 1/8 का यहाँ पर दे रखा है तो थोड़ा सा लेट डिले हो रहा है, और जब मैं ऊपर क्वार्टर पे जा रहा हूँ तो ये और ज़्यादा लेट डिले हमको दे रहा है। तो हम एक बार फिर से सुनते हैं इसे। जब तक तेरी नींद ना टूटे उगता नहीं है सूरज, जब तक तो समझ में आया होगा आई होप। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक तेरी नींद ना टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा, ख्वाब रहे किस काम के मेरे, ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा सुनहानी ये जिंद जानी ये जख्मों को मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो देखा आपने, मैंने सिर्फ एक इस प्लगइन से कितनी सारी चीज़ें अपने वोकल्स के अंदर ऐड कर दी है, ट्रबल भी ऐड कर दिया। अब देखिए मैं बेस ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो क्या होता है। जब तक तेरी नींद ना टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा, ख्वाब रहे किस काम के मेरे, इतना इसको लगाना सही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको लगाने के बाद यहाँ पर कितना ज़्यादा फ़र्क आया है हमारी ऑडियो के अंदर। तो आई होप इस प्लगइन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको खुद जब ट्राई करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से आउटपुट निकाल पाएंगे, और जब आप म्यूज़िक के साथ इसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये म्यूज़िक के साथ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा असर देता है। आप स्पेशली इसको अगर आप नॉर्मल मिक्स कर रहे हैं अगर आप, तो आप अपने जो भी प्लगइन्स लगा रहे हैं लास्ट में इसको लगा सकते हैं, इसे थोड़ा बहुत इसको लगा के और थोड़े उसके अंदर से जूसेस निकाल सकते हैं अपने मिक्स के अंदर से। तो आई होप कि इस व्लॉग से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, इस प्लगइन के बारे में आप सब जान चुके हैं, तो इसको ज़रूर यूज़ करिए। और कोई भी क्वायरी हो तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिख सकते हैं अपने क्वायरी को। और अगर आप मेरे से पर्सनली म्यूज़िक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को इस दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे tushar.srivastava.official पर मेरे को DM कर सकते हैं। फिलहाल हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय एंड टेक केयर।